चैनल। सो आज आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे को पेट्स बहुत पसंद है। नहीं पता तो मैंने अब बता दिया तो मेरे को गाइस पेट्स बहुत ही पसंद है और मेरे को 2 पेट्स मिले हैं, तो मैं लेके आती हूँ। जरा मैजिक से कर लें। सो गाइस, एक तो है ये मेरा छोटू सा बेबी, इसका नाम है कोको, और दूसरा भी ले आते हैं, फिर मैं लेके आती हूँ। सो गाइस, मैं ले आई हूँ दूसरी, ये है लिली मेरी क्यूटी बेबी जो मेरी गोदी में रहती है, कोको जो मेरी गोदी में बिल्कुल भी नहीं दिखता है। सो ये दोनों हैं जिनका मैंने गृह प्रवेश किया था कल, तो इनके हाथ पूरे हैं और दोनों बहुत ही क्यूट हैं। बेबी रैबिट्स हैं गाइस, ये दोनों छोटे से नॉर्मल वाइट रैबिट्स जिनकी रेड आइज हैं, एंड आई लव दीज बोट्स। सो मैं आपको इनका दिखाती हूँ क्या है। लिली बच्चा गाइस, लिली को मेरे पास रहना बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेल फीमेल का पेयर है, लिली एंड कोको, वो भी हाँ। तो चलिए अभी मैं कोको जो है, कोको बहुत ही शैतान है, ठीक है, बिकॉज उसको किसी की भी गोदी में रहना अच्छा नहीं लगता है, और वो बाइटिंग करनी उसने स्टार्ट कर दिया। अभी ये 20 डेज के हुए हैं गाइस, वो ऐसे अचानक से झटपट आया तो मैं डर गई। सो 20 डेज के हुए हैं अभी ये, एंड मैं कल ही लेके आई हूँ, कल नाइट में। सो या दिस बोथ आर टू क्यूट, दिस इज माय क्यूटी बेबी, क्यूटेस्ट बेबी लिली। सो गाइस, ये आप लोग सोचेंगे कि मेरे को कैसे मिल गया इतने मेहनत के बाद। गाइस, मेरा बर्थडे आ रहा है 6 अक्टूबर को, अगर आप विश करना चाहते हैं सो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे जरूर विश कीजिएगा। ओके, सो ये है मेरी लिली बेबी, एंड ये मेरे कोको जो बहुत शैतान है। क्या कर रहे हो कोको? कम सिट लिली, जस्ट लिट बेबी। गाइस, ये है कोको, ये है लिली, और ये मेरे को इनकी पहचान करना बहुत आसान होता है क्योंकि जो कोको है बहुत ही ज़्यादा भागता है, मतलब इसकी आदत ही है, मतलब मैं इसको यहाँ छोड़ दूँ ना इतना भागता है, मैं इधर छोड़ूंगी वो पूरा इधर घूम के पूरा घर का चक्कर लगाता है। जब ये फर्स्ट डे कल आया था ना, पूरी रात इसने, मतलब मैंने इसको खुला छोड़ दिया था, किट से निकाल दिया था, इसने पूरी रात मतलब मेरे घर में पूरा इंस्पेक्शन करी है महाशा जी ने, महाराजा जी ने भागे जा रहे मेरी गोदी से छूट छूट के। सो कल पूरे घर की इसने इंस्पेक्शन की है, पूरे रूम्स में चेक करके आया है कि कुछ है तो नहीं गड़बड़। फिर मैं इन्हें खाना में क्या खिला रही हूँ आप लोग जानना चाहेंगे कि मैं खाने में क्या खिलाती हूँ। सो गाइस, मैं इनका रैबिट फूड लाई हूँ, वो खिलाती हूँ, और कैबेज खिलाती हूँ, बेजल्स खिला सकते हैं, ब्रोकली भी खिला सकते हैं, तो मैंने अभी इन्हें बेजल्स खिलाई थी, तो लिली बहुत ही सोने वाली हो रही है बेजल खा के। मतलब इन लोगों को बेजल तो अच्छी लगती है, बट ये बेजल खा के थोड़ी मतलब इन्हें नींद सी आने लगती है, तो ये शोर शोर से फील करते हैं। पर कोको के गाइस, कोको के साथ ऐसा सीन नहीं है, कोको को तो आप कुछ भी खिला दो, नींद की दवाई भी खिला दोगे ना तो भी ये भागते ही रहेगा पूरे में। सो लिली मेरी बहुत ही क्यूट सी बेबी है, शोत्रु मोटू बहुत खाती है, और ये कोको मेरी स्पून के पीछे, गाइस कोको को कुछ भी चीज़ दिखती है ना वो उसके पीछे पड़ जाता है जब तक वो उसको कुछ कर नहीं लेता। मतलब मेरे को कल इसने बाइट कर लिया था, गाइस बाइट नहीं किया था, बट आई वॉज लाइक होल्डिंग हिम लाइक दिस एंड ही वॉन्ट्स टू गो डाउन एंड आई होल्ड हिम, आई वॉज होल्डिंग हिम एंड ही सडनली जम्प्ड, सो ही बाइट मी। सो दोनों ही बहुत ही क्यूट हैं, मैं इनका केस दिखाती हूँ आप लोगों को, सो चलिए देखते हैं। सो गाइस, ये है इनका केज जिसमें मेरे दो क्यूटी क्यूटी से बच्चे बैठे हैं, ये इनकी ट्रे है जिसमें ये पूपी वगैरह करते हैं, ये इनका पानी के लिए है, ये इनके फूड के लिए है, बट मैंने फूड अभी नहीं डाला हुआ है बिकॉज मैं फूड डाल देती हूँ ये तुरंत खा लेते हैं, और ये अभी छोटे से बेबीज हैं तो इनके लिए ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है। सो ये है लिली, कोको, एंड बहुत ही क्यूट है दोनों, एंड मैं मोस्टली टाइम इनका केज खुला ही रखती हूँ बिकॉज लाइक वी कांट लाइक पैक एनी एनिमल बिकॉज दे ऑल्सो हैव देयर ओन लाइव्स। So yeah, these are my cutie babies. So these both are so cute and मैं इनको कभी भी केज में नहीं रखती, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इनका केज खुला ही रखती हूँ। सो या दीज बोथ आर सो क्यूट, सो अभी मैं इनको बाहर छोड़ देती हूँ, नहीं अंदर नहीं रहेंगे ज़्यादा टाइम बिकॉज ये इन लोगों को मतलब गाइस खुद से तो ये बाहर निकलते नहीं है, तो मैं इनको खुद ही निकालती हूँ, मतलब मैं ही निकालती हूँ
सो इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। बहुत ही सॉफ्टली मैंने उठाती हूँ गाइस, इनको कभी भी पेट से नहीं पकड़ना चाहिए नहीं ये बीमार हो जाते हैं। सो एक ये, इसने तो भागना भी शुरू कर दिया, मतलब अभी से ही भाग गया है यहाँ से। सो या लेट्स कम बैक टू मी। फेवरेट मेरे को लगती है लिली, बिकॉज लिली मेरे पास आती है, शी कंपनीज मी, लिली कम है लिली। सो दिस दे डजंट नो देयर नेम्स बिकॉज दे जस्ट केम यस्टरडे, सो दे डजंट नो दिस देयर नेम्स। सो या दे आर वेरी स्मॉल एंड कोको फिर से कहीं छुप गया जाके। गाइस कोको बहुत छुप जाता है, कल तो मैं इतना घबरा गई थी बिकॉज मेरा जो कॉरिडोर का मतलब डोर था वो खुला हुआ था और मैं मतलब टीवी देख रही थी, तो मैंने लिली को भी अंदर रखा हुआ था, कोको का भी केज तो दोनों का खुला ही था, तो कोको ना मतलब चला गया था, पूरे घर में चक्कर काट रहा था, तो मेरे को दिखा नहीं, तो मैं डर गई, मैंने कॉरिडोर में देखा, मैं घबरा गई बहुत ज़्यादा, मैंने अंदर रूम में देखा, अंदर भी रूम में कहीं नहीं मिला मेरे को। और ये महाशय कहाँ थे? मेरे सोफे के नीचे, और जब मैं देखने आई तब ये महाशय कहाँ थे? मेरे बीन बैग के पीछे। इतना मतलब शैतान है ये। और फिर मैं जब पूरा हार मान के वापस आई, बैठी सोफे पे, तब मैंने देखा ये महाशय निकल रहे थे, बताइए गाइस। सो गाइस ये दोनों बहुत ही क्यूट हैं, बहुत ही स्वीट हैं। रैबिट्स को पालना बहुत ही इजी होता है बिकॉज लाइक इजी तो नहीं कहेंगे, बट जो लोग वेजिटेरियन हैं, लाइक मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं डॉग्स कैट्स आई कांट लाइक हैंडल देम बिकॉज आई कांट गिव देम नॉन वेज फूड, राइट? सो या I got these for my birthday. It's on 10 October. So this is my Instagram ID. Follow this, like all my reels and comment in my reels. If you wanna tell my like what next topic do you want about my pets or about me or home tour, whatever you want, you can DM me on that or comment me. So thanks for watching. Bye guys. And guys, one more thing I forgot to tell you कि मेरे को अभी याद आया कि हम लोग मतलब आप लोग चाहते हैं कि आपको अगर कोरियन सीखनी है तो आप मेरे को बता सकते हैं, बिकॉज मेरे को कोरियन आती है, सो आई कैन टेल यू, सो आई नो अ लिटिल बिट, सो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि मेरे को आप लोगों को पता चल जाए कि मेरे को आती है। अन्योन्हासयो, ये तो सबको ही पता है, हेलो। And one more thing I know, like what do we call trees? So we call it yami and some many more words. I know the vowels, consonants. So yeah, actually right now I'm just learning it because I'm an Indian, not Korean. So I don't know Korean totally, but yeah, I'm learning it so I can tell you also. So bye guys. Now take care, stay home, stay safe. Stay with me. Stay tuned.